नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे गोइटर के विषय में, यानी घेंगे के विषय में, और आपको बताएंगे इसकी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। गोइटर हिंदुस्तान में अब विकास के साथ थोड़ा सा कम फैलता है, यानी यहाँ जो गले में आपको बहुत लोगों के स्वेलिंग दिखती है वह कम लोगों को होती है, लेकिन आज भी होती है। आयोडीन डिफिशेंसी काफ़ी हद तक नमक से कम हो गई, जो आजकल के नमक आते हैं पैक्ड वाले, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ये होती है। तो आज हम बताएंगे आपको होम्योपैथी में गोइटर यानी घेंगा को सही करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों, जान लेते हैं घेंगा होता क्या है। घेंगा यानी गोइटर, जब आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें सूजन आ जाती, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपके यहाँ पे एक सूजन आ जाती, स्वेलिंग आ जाती है, बाहर से वो मैनिफेस्ट होने लगती है आपकी इस गर्दन के आगे की तरफ, वही स्थिति को गोइटर कहते हैं। गोइटर साथियों वह स्थिति होती है जब आपके थायराइड ग्लैंड थोड़ा बढ़ जाता है, इनलार्ज हो जाता है, और यह बाहर आपको नेक से बाहर की तरफ प्रोट्रूड होना दिखने लगता है। इसी स्थिति को, इस एनलार्ज थायराइड ग्लैंड की स्थिति को गोइटर यानी कि घेंगा कहते हैं। यह आमतौर पर हार्मलेस होता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जब यह ज़्यादा बड़ा होता है तो आपकी स्वेलिंग में तकलीफ करता है और पेनफुल भी होने लगता है, और कॉस्मेटिकली तो यह बुरा लगता ही है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक आदत है, हर आदमी खुद परेशान हो लेकिन दूसरे को टोकता ज़रूर है, उसको नहीं छोड़ता। तो इसको ठीक होना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा इसको ठीक करने की कारगर दवाएं। बात कर लेते हैं साथियों इसके सिम्टम्स की, गोइटर के सिम्टम्स की, घेंगे के सिम्टम्स की। घेंगा पहला सिम्टम तो यही है कि आपको बाहरी दिख रहा है कि थायराइड ग्लैंड आपका बढ़ गया है। दूसरा सिम्टम, आपको कुछ भी निकलने में दिक्कत होने लगती है, आपको खांसी आने लगती है, आपको गले में कुछ अटका फंसा लगता है, और आपको निगलने में कुछ भी तकलीफ होती है। तो इस तरह की अगर आप में से, और आपकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती, चेंज हो जाती है, और इस तरह के अगर सिम्टम होते हैं तो यह ही घेंगे के सिम्टम्स हैं। बात कर लेते हैं साथियों घेंगा यानी गोइटर के कारणों की। गोइटर यानी कि यहाँ जो ग्रोथ हो जाती है, एनलार्ज होता है थायराइड ग्लैंड, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण है साथियों आयोडीन डिफिशियंसी। जब आपकी आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो आपका थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाता है, इनलार्ज हो जाता है, और वहाँ आपको मैनिफेस्टेशन होता है गोइटर के फॉर्म में। तो आयोडीन डिफिशियंसी इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। दूसरा इसका बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में एक इम्पॉर्टेंट बात आती है हाइपोथायरायडिज्म। जब आपका थायराइड कम काम करने लगता है तो फिर आपका जो बॉडी का सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है, वो और ज़्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रीट करने के लिए आपके थायराइड ग्लैंड को और ज़्यादा वर्क कराता है। उस स्थिति में उस लोअर लेवल्स को, हार्मोन के, थायरोक्सिन के लोअर लेवल को बढ़ाने के लिए, जब आपका जो मैकेनिज्म है बॉडी का, सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, वो ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करने का थायराइड से प्रयास करता है, तो उस कंडीशन में आपका थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाता है या हाइपोथायरायडिज्म में होता है। इसमें होता क्या है, जो हाशिमोतो डिजीज़ एक टर्म आती है, इसमें आपको सारी टर्म्स फेमिलियर होनी चाहिए। हाशिमोतो डिजीज़ में आपका जो ऑटोम्यून सिस्टम होता है वो स्वयं, उसी के जो अपने रिसेप्टर सेल होते हैं, स्वयं वो जो है आपके थायराइड को नुकसान पहुंचाने लगती हैं, और हाइपोथायरायडिज्म में हाशिमोतो डिजीज़ हो जाता है और आपका थायराइड ग्लैंड एनलार्ज्ड हो जाता है। तीसरा एक जो कंडीशन आती है जो कि आपको गोइटर बना देती है, आपके थायराइड ग्लैंड को एनलार्ज कर देती है, वह हाइपरथायरायडिज्म। हाइपरथायरायडिज्म वो कंडीशन होती है जब आपके सिक्रीशंस ज़्यादा होने लगते हैं हार्मोन के आपके थायराइड ग्लैंड से, और जो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वह सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है थायराइड के, ताकि सिक्रीशन कम हो। इसको कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़। तो ये ग्रेव डिजीज़ जब हो जाता है तो वह डिस्ट्रॉय करने लगता है, और डिस्ट्रॉय करने पे जो है आपके थायराइड इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और इन्फ्लेम्ड होने पे वो स्वेल और फिर एनलार्ज हो जाता है। तो यह भी एक कारण है गोइटर का। इसके अलावा तमाम अन्य कारण हैं, जिसमें कि स्मोकिंग है, तमाम फिजियोलॉजिकल कारण होते हैं जो होते हैं, लेकिन प्रमुखता से कारण यही होते हैं, आपका आयोडीन डिफिशियंसी, हाइपरथायरायडिज्म या हाइपोथायरायडिज्म।
अब साथियों बताते हैं आपको होम्योपैथी से इस घेंगे यानी गोइटर को ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों फिर आपको बता दें हर बार की तरह कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लें ताकि जो दवाओं की भिन्नता है सिम्टम की वह इफ़ेक्ट आपका न्यूट्रलाइज हो जाए। यह सारी दवाएं जो बताई जा रही है ज़रूरी ही नहीं कि ये आपके लिए भी उतनी मुफीद हों जैसा सिम्टम। चलते हैं साथियों बताते हैं आपको होम्योपैथी में गोइटर को ठीक करने की 10 कारगर दवाएं। पहली दवा साथियों होम्योपैथी में जो गोइटर को ठीक करने की नंबर एक दवा है वह है आयोडम। आयोडम 1000 पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आप उस मरीज को दे सकते हैं जिसको कि गोइटर यानी घेंगा हो गया हो, वह बहुत खा रहा हो लेकिन दुबला रहा हो, उसका वजन ना बढ़ रहा हो, बहुत इम्पल्सिव यानी गुस्से वाला हो गया हो, उसकी जरा सा चलता हो दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती हो और बहुत एक्स्ट्रावर्ट टाइप व्यक्ति हो गया हो, यह कंडीशन अगर पाए, उसके शरीर बहुत गर्म रहता हो, उसको गर्मी बहुत लगती हो, अगर यह कंडीशंस उसमें पाई जा रही हो और फीमेल्स में पीरियड ना होता हो, यह सिम्टम अगर हो तो उस मरीज़ के गोइटर के उस मरीज़ के लिए सबसे कारगर दवा आयोडम है। इसको आप 1 या 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली देकर लाभ पा सकते हैं। एक कंडीशन साथियों गोइटर में आती है कि आपके गोइटर तो है ही है, साथ में आपको भारी वीकनेस हो गई, इतनी भारी कि आपके एंकल से लेके कुछ कह रहे हाथ पैर जवाब दे गए। अगर वह सिम्टम आप में, वह सोच भावना आप में आ जाए तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा नेट्रम कार्बोनिकम है। आप नेट्रम कार्बोनिकम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका जो डिबिलिटी है वीकनेस है वह भी ख़त्म हो गई और आपको ताकत आ गई। फिर एक कंडीशन आती है साथियों गोइटर में कि जब आपका भाई थायरॉयड ग्लैंड गोइटर है तो थायरॉयड ग्लैंड तो आपका बढ़ेगा ही, वो एनलार्ज हो गया हो, लेकिन आपके बॉडी के फंक्शन स्लो हो गए हो, स्लगिश हो गए हो, आप बहुत सुस्त महसूस कर रहे हो, आपका वेट गेन हो रहा हो, आप फ्लैबी हो रहे हो, तो आपको ठीक करने की होम्योपैथी में गोइटर को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कैल्केरिया कार्बोनिकम है। आप कैल्केरिया कार्ब 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह जो स्लगिशनेस है यह भी ख़त्म हो गई, आपका वेट लॉस भी ख़त्म होने लगा, आपका वेट लॉस होने लगा और आपको जो कोल्ड से टेंडेंसी, जो कैल्केरिया कार्ब का पेशेंट है इसको कोल्ड से सर्दी से बहुत ज़्यादा लगती है, उन चीज़ों से आपकी दिक्कत से आप बच गए और आपका गोइटर भी ठीक होने लगा, गोइटर भी जाने लगा। एक कंडीशन साथियों आती है गोइटर में कि आपके गोइटर है घेंगा है और आपकी आई बोल्स प्रोट्रूड कर रही हैं और आपने इतना मीठा खाया है कि जिसका आपके पास खुद हिसाब या जवाब नहीं है, तो अगर यह इतनी स्वीट की आपके क्रेविंग रहा हो और आपके आईज़ का प्रोट्रूजन हो रहा हो और साथ में आपको गोइटर हो, तो उस कंडीशन में आपके गोइटर को ठीक करने की सबसे कारगर दवा है थायरोडिनम। आप थायरोडिनम 3x पावर में 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह गोइटर भी कम होने लगा, आपकी जो स्वीट की क्रेविंग से बैड असर पड़ा है शरीर पे वो भी ख़त्म होने लगा और आप अपने को बेहतर महसूस करने लगे। एक कंडीशन साथियों आती है गोइटर में कि मरीज़ को आईबॉल्स का प्रोट्रूजन होने लगा, उनको गोइटर है यहाँ पे घेंगा है और उनको आईबॉल्स का प्रोट्रूजन होने लगा और मरीज बहुत दुबला पतला होने लगा, उसका वेट लॉस होने लगा, उसको गर्म बहुत लगता है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नेट्रम म्यूर। आप नेट्रम म्यूरेटिकम 1 mg पावर की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली उस कंडीशन में ले लें जब आपको नमक खाना बहुत पसंद होता हो, नमक आप मीठे के मुकाबले प्रीफर करते हो, आपका वेट लॉस हो रहा हो, आप दुबले पतले ही कह रहे हो, आपकी खासतौर से गर्दन आपकी पतली हो, आपको गुस्सा बहुत आता हो और आपके गोइटर यानी घेंगा बढ़ रहा हो, उस स्थिति में नेट्रम्यूर आपको एक सिम्टम आता है साथियों कि आपके गोइटर हो, आपके पसीना बहुत आता हो और आपके दिल की धड़कन बहुत होती हो, तो अगर यह कंडीशन आप में है कि आपके स्वेटिंग बहुत हो रही है और आपके परस्पायरेशन बहुत है, तो इसको होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत अच्छी दवा पाइलोकार्पस है।
आप पाइलोकार्पस 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि इससे आपके हार्ट की जो पैल्पिटेशन है वो भी रिलीव हो गया और आपका अनवांटेड पसीना आना, एक्स्ट्रा स्वेटिंग होना भी कम हो गया और आपका गोइटर भी ठीक होने लगा। एक स्थिति आती है साथियों गोइटर में, जब आपको घेंगा तो बढ़ा हुआ है लेकिन ना आपके उससे कोई फर्क पड़ रहा है, मतलब ना उससे आपका बॉडी फंक्शन कम हो रहा है ना बॉडी फंक्शन बढ़ रहा है और आप बिल्कुल सामान बने, लेकिन आपके घेंगा यानी गोइटर है, इसको सिंपल गोइटर कहते हैं। इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं जो आपको लाभ दे सकती हैं। इस श्रृंखला की साथियों 3 दवाएं हैं। पहली दवा है फ्यूकस वेसिकुलोसस। फ्यूकस वेसिकुलोसस उस स्थिति में सिंपल गोइटर में बहुत कारगर है जब कि मरीज जो है वो ओबीज हो, मोटा हो, तो फ्यूकस वेसिकुलोसस देने से उसका मोटापा भी कम हो जाएगा और उसका यह जो घेंगा है जो सिंपल गोइटर के तहत है वह भी चला जाएगा। दूसरी दवा साथियों इसी कंडीशन की है, कैल्केरिया आयोड। कैल्केरिया आयोड 32 बूंद आप दिन में 3 बार आप उस स्थिति में दे सकते हैं कि जब मरीज के गर्म बहुत लग रहा हो, उसको गर्मी महसूस हो रही हो और उसका थोड़ा थोड़ा सा वेट लॉस होने लगे, तो उसकी सबसे मुफीद दवा कैल्केरिया आयोड है। एक साथियों स्थिति आती है कि जब आपके गोइटर काफ़ी बढ़ गया हो और वहाँ सख्त हो, अगर वहाँ सख्त है तो उसको सॉफ्ट करने की और कहीं कहीं पे मैं कहूँगा मेलिग्नेंसी तक ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कोनियम मैक्यूलेटम है। आप कोनियम मैक 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका जो सख्त गोइटर है, सख्त घेंगा है, वहाँ मुलायम पड़ गया और जब वहाँ मुलायम पड़ेगा तो धीरे धीरे डिसॉल्व भी होगा। दवा इसकी है कोनियम मैक। और तीसरी कंडीशन जो साथियों इसमें आती है सिंपल गोइटर में, वह है कि आपका जो ये घेंगा यानी कि जो गोइटर है वह बहुत सख्त हो गया और पत्थर जैसा सख्त हो गया, अगर वह स्थिति है आपको सिंपल गोइटर में तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में सबसे कारगर दवा ब्रोमियम है। आप ब्रोमियम 32 बूंद दिन में 3 बार लेके उस कंडीशन से अपने को छुट्टी दिला सकते हैं। एक कंडीशन साथियों आती है जब आपको गोइटर है, घेंगा है और साथ में आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, अगर यह स्थिति आप में है तो इसको टॉक्सिक गोइटर कहते हैं। इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं और इस टॉक्सिक गोइटर में ग्रेव्स डिजीज़ हो जाता है, जब हाइपरथायरॉयडिज्म आपको होगा तो आपको ग्रेव्स डिजीज़ हो सकता है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं और यह दवाएं आपको पूर्णतया सही कर देंगी, जिसमें कि एक दवा का जिक्र हो चुका है आयोडम, दूसरी दवा है लाइकोपस, तीसरी दवा है नेट्रम्यूर और चौथी दवा है कैल्केरिया आयोड। यह दवाएं आप सिम्टम वाइज लेकर इस टॉक्सिक गोइटर को ख़त्म कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ सारी टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ ताकि आप कभी कोई आपके सामने आए तो आप बातों को समझ सके। एक कंडीशन साथी आती है ये थायराइड ग्लैंड में, जिसका नाम है थायरॉयडाइटिस। थायरॉयडाइटिस में होता क्या है, आपका थायराइड इन्फ्लेम हो जाता है और थायराइड इन्फ्लेम होने के साथ आपके बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसको भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से कैल्केरिया कार्प, लाइकोपोडियम, थायरोडिनम, जेलसीमियम और ब्रोमियम है। यह दवाएं आप सिम्टम के हिसाब से लेकर थायरोडाइटिस को भी होम्योपैथी में कारगर रूप से ठीक कर सकते हैं। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपके गोइटर यानी घेंगे को ठीक करने के लिए। मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि दवाएं आपके एजुकेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए कि होम्योपैथी काम करती है, लेकिन कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि दवा और सिम्टम आपके हिसाब से आपके लिए भिन्न हो सकते हैं। अगर साथियों आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट पोर्शन में अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। अगर साथियों आपको हमारे यहाँ प्रयास अच्छा लगा हो, आपको होम्योपैथी को आपके करीब लाने का
आपको दवाओं की जानकारी देने का, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने चैनल को भी शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त करते रहिएगा। आपका हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।